जिस तरीके से अमरवाड़ा विधानसभा के आज बड़ी रैली में पूरे क्षेत्र के अमरवाड़ा विधानसभा के एक एक शक्ति केंद्र से, हमारे बूथ केंद्र से हमारे सभी भाई कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए थे। बरसते पानी में भी उनकी निष्ठा मैंने देखी पार्टी के प्रति, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के साथ न्याय करेंगे। जिनको यदि लाभ नहीं मिला है उनके एक एक घर में जा जा करके दस्तक देंगे और उनसे हम अपील करेंगे कि आपका यदि कोई काम नहीं हुआ है, आप पात्रता रखते हैं, तो हम लोग उनको लाभ दिलाएंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। चुनाव देखिए, कमलेश शाह एक प्रत्याशी है, पर चुनाव लड़ते ही कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी के कदेवतुल कार्यकर्ताओं को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जब जब चुनाव होते हैं तो हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं और कार्यकर्ताओं में वो जुनून रहता है कि हम चुनाव खुद लड़ रहे हैं, हमारा कमल छाप लड़ रहा है, उसको लेकर के एक एक घर पे वो जाते हैं। आदिवासी बेल्ट की या यूं कह लें महाकौशल क्षेत्र के दिग्गज नेता वर्तमान में पीएचई मंत्री मध्य प्रदेश शासन संपतिया उइके जी हैं। छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा में उपचुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के लिए विधानसभा अमरवाड़ा का प्रभारी बनाया हुआ है। संपतिया जी, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में आप उपचुनाव में प्रभारी बनकर आई हैं, किस तरह का माहौल आप देख रही हैं और इलेक्शन किस तरह से गुजर रहा है? सबसे पहले तो अमरवाड़ा विधानसभा के समस्त मतदाता बंधु देवतुल ऐसे मेरे कार्यकर्ताओं को मैं नमन करती हूँ, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी भाई कमलेश शाह जी को, राजा कमलेश शाह जी को आज नामांकन दाखिल कराने में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के मुखिया और खजुराहो से लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और हमारे संगठन के शिल्पी आदरणीय हमारे हितानंद जी, आज सभी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, हमारे छिंदवाड़ा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक बंटी साहू जी, और ऐसे अनेक हमारे सभी कार्यकर्ता आज पूरे छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा के सभी हमारे एक एक बूथ से आए हमारे सभी शक्ति केंद्र के सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं उनको दिल से, हृदय से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। और साथ में जिस तरीके से अमरवाड़ा विधानसभा के आज बड़ी रैली में पूरे क्षेत्र के अमरवाड़ा विधानसभा के एक एक शक्ति केंद्र से, हमारे बूथ केंद्र से हमारे सभी भाई कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए थे। बरसते पानी में भी उनकी निष्ठा मैंने देखी पार्टी के प्रति दाखिल करने के लिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी हमारे संगठन के शिल्पी आदरणीय हितानंद जी, आदरणीय बीडी शर्मा जी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बड़ी संख्या में उपस्थित हुए सभी मेरे देवतुल कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और अपेक्षा करती हूँ कि जो आज मैं एक एक कार्यकर्ताओं में उत्साह देखी, हमारे जनप्रतिनिधि चाहे वो वार्ड के पंच हों, चाहे हमारे पंचायत के सरपंच हों, जनपद सदस्य हों, जिला पंचायत सदस्य हों, ऐसे अनेक हमारे जनप्रतिनिधि, यदि मैं नगर की बात करूं तो नगर के हमारे पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद, बड़ी संख्या में यहां पे हमारे अमरवाड़ा नगर के हमारी अध्यक्ष, ऐसे सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सब में बड़े उत्साह थी और बहुत उत्साह के साथ आज नामांकन दाखिल किए हैं। निश्चित ही अमरवाड़ा विधानसभा बहुत लंबे वर्षों के बाद इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे, और निश्चित ही अमरवाड़ा विधानसभा हम ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। अमरवाड़ा के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह जी, 3 बार के सिटिंग MLA हैं कांग्रेस के, ऐसा कौन सा कारण था जो उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली कांग्रेस छोड़कर? काम देते हुए जिस तरीके से योजना बनाई और योजना बनाते हुए हर वर्ग को उन्होंने लाभ दिलाने का काम किया है, निश्चित ही उसको जनता जनार्दन समझने लगी है। और हम लोग जो काम किए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के साथ न्याय करेंगे। जिनको यदि लाभ नहीं मिला है उनके एक एक घर में जा जा करके दस्तक देंगे और उनसे हम अपील करेंगे कि आपका यदि कोई काम नहीं हुआ है, आप पात्रता रखते हैं, तो हम लोग उनको लाभ दिलाएंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री आ जाए, आगे का रोड मैप मुख्यमंत्री जी की सभाओं को लेकर और दूसरे बड़े स्टार प्रचारकों के आने की क्या संभावना है? चुनाव देखिए, कमलेश शाह एक प्रत्याशी है, पर चुनाव लड़ते ही कार्यकर्ता,
और भारतीय जनता पार्टी के कदेवतुल कार्यकर्ताओं को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जब जब चुनाव होते हैं तो हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं और कार्यकर्ताओं में वो जुनून रहता है कि हम चुनाव खुद लड़ रहे हैं, हमारा कमल छाप लड़ रहा है, उसको लेकर के एक एक घर पे वो जाते हैं। और आज जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी की जीत नहीं होती, हमारी बूथ की जीत होती है, बूथ में हमारे लगे हमारे एक एक कार्यकर्ता, चाहे संयोजक हों, चाहे त्रिदेव हों, चाहे पालक हों, वो लोग सब मिल करके चुनाव लड़ते हैं। हमारा नारा है कि बूथ जीता चुनाव जीता, और उस पर हमारे संगठन बहुत ही ईमानदारी के साथ एक सिपाही की तरह मेरे एक एक कार्यकर्ता काम करते हैं। निश्चित ही उनको मैं नमन करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में पूरे उत्साह के साथ एक एक बूथ, जो कभी हम लोगों ने 40-45 साल में कभी भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं थी, पर मैं आदिवासी समाज के भी वो बूथ में देखी हूँ, वो बूथ में भी गई हूँ जहाँ पे 45 साल तक कभी नहीं जीता, वहाँ पे भी रिकॉर्ड बना लोकसभा में, और भाई विवेक बंटी साहू को ऐतिहासिक जीत मिली। तो वैसे ही ऐतिहासिक जीत हमारे राजा कमलेश शाह जी को भी मिलेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कहना बड़ा साफ है संपतिया जी का कि भारतीय जनता पार्टी का छिंदवाड़ा में ग्राफ बड़ा है, लोकसभा में जिस तरह से जीत मिली है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, विधानसभा का उपचुनाव भी बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।